हरे कृष्ण लोग ते गुना देना कोड़ी कोड़ी एक उस हां कोड़ी कोड़ी में एकले तसे ग्रह ओ माय गॉड मेराम धस्य ज्ञाना जनसलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसी देवै प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम तुलसी गच रखे समस्त तुलसी गच देखिए से गोटे से लाइट लगाते ना से लाइट टा देदे भल देखा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम कर रहा हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे दिग्विजय पंडित को उन्होंने परास्त किया। परास्त करके महाप्रभु जो अंतिम उपदेश दिया है हम जगत में ये लिखाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले पढ़े के न लोग पढ़े के न बोले कृष्ण भक्ति जानिवारे। बोले हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले कृष्ण भक्ति को जानने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बोले से यदि नहीं ले तो वे विद्या की करें। अगर लिखा पढ़ा सीख करके केवल जीवन ने केवल पैसा कमा करके अपना जीव संसार को भरना पोषण करते हुए अगर हमने ये जीवन को बिता दिया भगवान की भक्ति नहीं किया तो भागवत में कहते हैं बल तरवह किम न जीवंती। अगर जीवन में केवल जीवित रहना बचना ही जीवन का यही लक्ष्य हो आप देखिएगा कितने बड़े बड़े बरगद का पेड़ पीपल पेड़ हजार हजार सालों से अभी तक भी जिंदा है। अगर जीवन में केवल जिंदा रहना ही जीवन का ही लक्ष्य हो बोले भैया पेड़ भी बड़े बड़े साल तक जिंदा रहते हैं। तरवा का निज जीवन थी भस्राम की न ससंत तो एक मशीन होते हैं जो लोहार लोग व्यवहार करते हैं प्लास्टिक का
जिसको दबाने पर हवा जाती है और हवा आती है, हैं? कहते जो एक भसरा, एक जो मशीन है, वो भी श्वास लेता है, वो भी श्वास छोड़ता है। कहते कि मशीन भी श्वास प्रश्वास लेता है, बोले न खादंती। अगर जीवन में खाना ही सबसे बड़ा काम हो, अब हाथियों को देखना, घोड़े को देखना, बैल को देखना, बकरी को देखो, दिन भर खाते, एक हाथी कितना खाता है, हैं? कितने खाता है। अगर खाना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, तो भैया जानवर भी तो खाते पीते हैं, बल्कि हम तो कितने लिखाई पढ़ाई करके 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर 8-8, 10-10 बार बार घंटा काम करते हैं, फिर हम पैसा कमा करके खाते हैं। वो तो कौन सा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हैं? वो कुछ भी नहीं करते, उनका खाना अपने आप मिल जाता है। अगर खाना ही सर्वश्रेष्ठ हो जीवन का लक्ष्य, कहते जानवर भी खाते, बोले न मेहनती है। कहते अगर बच्चे जन्म देना जीवन का यही लक्ष्य हो, अब देखो कुत्ते को देखो एक साथ में 4-4, 5-5 बच्चे, एक मुर्गा को देखो एक साथ में 21 बच्चे देते हैं, एक सुअर को देखो एक दर्जन से कम जन्म नहीं देते, एक मेढक को देखो हजार हजार, एक मछली को देखो एक साथ में हजार हजार बच्चा जन्म देते हैं। इसलिए भागवत में बताया, खाना पीना सोना अगर यही जीवन का लक्ष्य हो, अब देखिएगा हम जो काम करते हैं इसी काम में जानवर हमसे सर्वश्रेष्ठ है, बहुत एडवांस है। इसलिए महाप्रभु कहते भैया हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को ही जानने के लिए, अगर वही नहीं हुआ है। इसलिए मीरा कहती हैं क्या, जग पढ़ पढ़ मुआ भय पंडित ना भयो कोई, ढाई अखर प्रेम पढ़ा सो पंडित हो। इसलिए मीरा जी कहती हैं जगत में सबसे बड़ा पंडित कौन है, बोले जो प्रेम जो ढाई अक्षर, जिसने ये ढाई अक्षर को पढ़ लिया ना, कल जगत में वही सबसे बड़ा पंडित है। इसलिए गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाया करते थे, बोले एक समय कुछ बच्चे एक नाव में बैठ करके एक नदी पार कर रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, कोई उसमें सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सबके सब बैठे हुए थे। जब वो नाविक जब नदी पार कर रहा था, उसमें जो सीए पढ़ा था स्टूडेंट, वो नाव वाले से पूछता है, बोले तुमको सीए के बारे में कुछ पता है? बोले भैया सीए क्या होता है? बोले नहीं जानते। बोले नहीं, हम तो किसी तरह से हैं नाव चला करके 2 पैसा कमा करके हम तो जीवन को भरण पोषण करते हैं। बोले भैया तुम्हारा तो 25% जीवन तुम्हारी बेकार हो गया, इसलिए तुम्हारी तो 25% जीवन तुम्हारी गया। और थोड़ी दूर जब गए, जो वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने पूछा भैया तुमको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता? बोले इंजीनियरिंग क्या होता है? बोले नहीं जानते। बोले नहीं, बोले तेरा तो 50% जीवन गया। लेकिन और जब थोड़ी दूर नाव गया, उसमें जो डॉक्टर था, बोले तेरे को डॉक्टरेट के बारे में तेरे को कुछ पता है? बोले डॉक्टरेट क्या होता है? बोले फिर तो तेरा 75% जीवन तुम्हारी बेकार है। ऐसे करते करते जब नाव बीच दरिया में पहुंच गया, अभी नाव में एक छेद हो गया तो नाव वाले ने बहुत कोशिश किया छेद को बंद करने के लिए, लेकिन छेद बंद ही नहीं हो रहा था, उसमें पानी पानी घुसते घुसते ही जा रहा है। उसने देखा नाव तो डूबने वाला है। उसने जो सीए डॉक्टर इंजीनियर थे, बोले तुम लोगों को तैरना आता है? बोले तैरना क्या होता है? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारा तो, मेरा तो 75% जीवन गया था, अभी तुम्हारी 100% जीवन अभी तुम्हारे जाएगा। और देखते देखते क्या हुआ, नाव पानी पूरा के पूरा घुस गया और नाव वहीं डूब गई। और नाव वालों को तो तैरना पता था, उसने नाव वाला को तो तैरना आता था, उसने तो
छलांग लगा करके उसने क्या किया, नदी पार हो गया। लेकिन जितने इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और सब के सब डूब करके वहीं पर समाप्त हो गए। यहाँ गुरु जी ये कथा सुना करके शिक्षा देते थे, हम भी जगत में बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े सीए बन गए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कर लिए, लेकिन जो असली पढ़ाई ना प्रेम में जो ढाई अक्षर है, पढ़ा सो पंडित होई, वो ढाई अक्षर जो प्रेम है ना, वही असली प्रेम ही हम लोगों ने पढ़े नहीं है। इसलिए भले ही हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूटेगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा तू जीवन में जितने भगवान का नाम लिया, केवल तुम्हारे साथ में वही जा रहा है, और जीवन में तुम्हारी जितने कमाई धमाई, जितना दुनियादारी तुमने की हो, सबके सब तुम यहीं छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, वास्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ले मीरा कहती है, भैया जीवन में तुमको मिला क्या, जीवन में कहते पायो जी मैंने, मतलब मैंने पाया क्या, पाया बोले राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। लास्ट में जितने भगवान राम का कृष्ण का नाम लिया, केवल जीवन में हमें वही मिला, और जगत में सब ही खोवायो, जगत में सारे चीज ही गया है। इसलिए क्या करनी चाहिए, चुपचाप बैठो। जीवन में हम जितने भगवान का नाम और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, केवल साथ में हमारी वही चीज ही साथ में जाएगा, और साथ में हमारे कोई चीज जाने वाले नहीं। इसलिए महाप्रभु पंडित को यही अंतिम उपदेश दिया, बेटा ए देह छाड़िया चली ले, विद्या वा पौरस संगे किछु नहीं चले। इसलिए अंतिम समय में जब शरीर छूट जाएगा, ये विद्या पौरस पंडित सबके सब यही धरा के धरा रह जाएगी। एतक महान तुम्हें सर्व परिहरी करेन ईश्वर पूजा दृढ़ परिहरी। जिसका संसार से मोह अंत हो गया, वो क्या करते हैं, कहते सब कुछ छोड़ करके दृढ़ चित्त करके भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अब बताओ हनुमान जी ने कौन सा डिग्री प्राप्त किया था, गोपियों का अंदर में कौन सा डिग्री था, ध्रुव प्रहलाद का कौन सा डिग्री था, इन लोगों ने कौन सा डिग्री किया है, कोई डिग्री नहीं। एक डिग्री है भगवान की, भक्ति रूपी डिग्री प्राप्त किया है बस। कहां सत्य युग में, कोई त्रेता युग में आए, अभी भी घर घर में इनकी पूजा, इनके नाम, इनकी कथा, अभी भी हम लोग इनकी कथा नाम अभी भी इनको हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए अगर जगत का सारे डिग्री हमारे पास में है, लेकिन प्रभु का भक्ति डिग्री नहीं, तो सब जीरो है। अगर हमारे पास में कोई भी डिग्री नहीं, कोई योग्यता नहीं, केवल एक डिग्री को प्राप्त कर लो, कौन सा डिग्री है, भगवान का भक्ति की डिग्री प्राप्त कर लो बस। जीवन में समझो हमारी सारी डिग्री हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन अभी के जो यंग स्टार है, वो सबके सब चाहते हैं बॉलीवुड में हम सब हीरो हीरोइन बनेंगे। इनका सब सबसे बड़ा इच्छा है हम बॉलीवुड में क्या, हीरो हीरोइन बनेंगे। भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उसका कोई नाम ले रहा है, जो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी कोई जगत में उसका काम नाम ले रहे हैं, ना उसका कोई पूजा कर रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी का देखो तो कहां, त्रेता युग में कितने लाख साल पहले आए, ध्रुव जी ने कितने करोड़ साल पहले आए,
अभी भी इनका नाम जगत में जय जयकार हो रहा है, अभी जगत में सबके सब इनको पूजा कर रहे हैं। इसलिए अगर हीरो बनना तो हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, ध्रुव प्रहलाद जैसे हीरो बन जाओ, हीरोइन बनना तो गोपियां जैसे बन जाओ, मीरा जैसे बन जाओ। इसलिए जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा और जगत में नाम तुम्हारी अमर हो जाएंगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है। इसलिए महाप्रभु पंडित जी को यही अंतिम उपदेश दिया है, क्या करो, भगवान की भजन करो बेटा, भजन ही जीवन का सार है और जगत में सबके सब असार है। इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे, कहते हैं एक दिन वायु देह मान्य करी छल, प्रकाशन प्रेम भक्ति विकार सकल। एक दिन श्रीमन महाप्रभु कहते प्रेम कहते हैं किसको है, प्रेम का क्या लक्षण है। इसलिए महाप्रभु एक दिन ये शरीर में दिव्य प्रेम को उन्होंने प्रकटित किया है, ऐसे प्रेम है। महाप्रभु कौन है, कौन सा अवतार महाप्रभु कहते हैं है? प्रेमावतार। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे दिव्य उन्होंने प्रेम को महाप्रभु प्रकट किए, जिसे प्रेम को देख करके नवद्वीप के सारे भक्त लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। कभी हंस रहे तो हंस रहे, कभी रो रहे तो रो रहे, कभी लोट पोट खा रहे तो खा रहे। इसलिए महाप्रभु का शरीर में स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण जो अष्ट साथी की जो प्रेम भाव महाप्रभु का शरीर में, कहते जगत का नियम है किसको शरीर में, और जो आठ तरह का जो प्रेम का विकार है, किसी साधु को शरीर में एक ही प्रेम दिखाई पड़ेगा और दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन महाप्रभु का शरीर में एक साथ में ये सारे स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण एक साथ में प्रकट होता था। अभी इसको देख करके अभी लोग तो कोई बोल रहे थे पागल हो गया, कोई बोल रहे इनका सर पर ब्राह्मी तेल को लगा, कोई बोले भैया इनके ऊपर कोई भूत का सवार तो नहीं हो गया हैं। इसलिए कोई हैं कहते भैया इनका शरीर में कोई दानव का अधिष्ठान तो नहीं हुआ, कोई डाकिन साकिन तो इनके ऊपर नहीं आ गया, कोई वायु का रोग तो नहीं हो गया। इसलिए श्री भक्त श्री माधुर्य कादंबिनी में हम लोग श्रवण करेंगे, जब भाव दशा आता है हैं, जब भाव दशा आता है, इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते ना अमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दिवे कधुली हैं। जब वो प्रेम प्रकट होता है उस समय में कहते साधारण व्यक्ति उनको पागल समझते, क्योंकि उनका इसी शरीर में इसी जगत में कोई संबंध नहीं रहता है, वो संपूर्ण रूप में भगवत जगत में ही वो डूबा हुआ रहता है, हैं? भगवत जगत में डूबा हुआ रहता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे नंगे धड़ंगे, कभी हंस रहे कभी रो रहे, क्या कर रहे थे बच्चे, बच्चे उनके ऊपर धूल झोंक रहे थे हैं, बोले तो ये कोई पागल है, स्त्रियां कर रहे थे वाह ये तो काम देव जैसे है, लेकिन ये पागल कैसे हो गया है हैं। इसलिए उनको कोई पहचान नहीं पा रहे थे, उनको कोई पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने जहां पर ऋषि लोग 88,000 ऋषि लोग जहां पर बैठे हुए थे, जब वहां पर प्रवेश किया, कहते जौहरी जो सुनार है वही सोने को पहचान सकता है, सभी सोने को नहीं पहचान सकते, लेकिन वहां जब उन्होंने प्रवेश किया, इनके शरीर में जो अष्टसाथी की भाव सुखदेव गोस्वामी में प्रकट हो रहा था, उन लोगों को देखकर समझ गए भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज का जो प्रश्न का उत्तर यही दे सकता है, हैं? यही दे सकता है। इसलिए उसी समय में बड़े बड़े विद्वान भी जिनको देख करके जिनका बुद्धि चकाचौंध हो जाता है, हैं? इनकी भाव को कोई समझ नहीं पाते, जिस समय भावावस्था होता है कभी कभी भगवान की मीठी 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 बंसुरी की आवाज कभी सुनाई पड़ता है, वो तो पूरा उसी जगत में रहता है, इसी जगत में जद्य भी देखने के लिए इसी जगत में रहता नहीं, तो पूरा के पूरा उसका संबंध उसी जगत में ही है। कभी कभी जो मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनाई पड़ता है सुनने लग जाता है, कभी कभी भगवान के चरण की नुपुर को नुपुर का छम 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 आवाज सुनाई पड़ता है, कभी उसको यही से लगता है ठाकुर जी आए
और उनका शरीर को स्पर्श किया, सारे शरीर रोंगटे खड़े हो जाते। कभी कभी उसको ऐसे लगता है भगवान आकर के उसको अधरा मृत पिला कर चले गए, अपना होठ को चाटने लग जाते हैं, मेरे को इतना अधरा मृत किसने पिलाया। भगवान कभी कभी सामने प्रकट होने पर उनकी शरीर का जो दिव्य आभा है, उनकी अलंकार का जो छटा, उनका वस्त्र का जो छटा, भगवान के शरीर में जो प्रकाश, कभी कभी उनका आंख को चकाचौंध कर देता है, हैं? इसलिए कभी कभी मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनाई पड़ता है। इसलिए वो इसी जगत में रहता नहीं, वो तो पूरा के पूरा दूसरे जगत में रहते हैं। इसलिए साधारण लोग उनको पागल समझते हैं, पागल समझते हैं। इसलिए महाप्रभु जब उन्होंने इस सब चीज को उन्होंने प्रकाश किया है ना, उसी समय में इसको देख करके सब लोग तो बोले ये क्या हो गया, इसके शरीर में क्या प्रकट हुआ है। सब लोग अलग 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 बात कर रहे थे, बात बाद में ज्यादा आएगा। लेकिन जब श्रीवास पंडित आए, श्रीवास पंडित कौन, बोले श्री नारद जी, वो साधारण नहीं, इसे नारद जी। जब उन्होंने आए, मैया सची तो बड़ी दुखी हो गई थी, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये पागल जैसे कभी नाचता है, कभी कांता है, कभी रोता है, कभी लौट पौट खाता है, इसलिए मेरे लाला को क्या हो गया। जब श्री श्रीवास पंडित आए, श्रीवास पंडित तो देख करके बोले हे भगवान, क्या दिव्य शरीर में प्रेम का प्रकट है। इसको देख करके जब श्री श्रीवास पंडित को पूछे, मैया सची देखो मेरे लाला को क्या हो गया, हाँ ये क्या पागल तो नहीं हो गया। इतने में श्रीवास पंडित कहता, भैया इनके शरीर में जो रोग बीमारी है ना, मैं भी चाहता हूँ ये बीमारी मेरे को भी थोड़ी सी आए, हाँ ये बीमारी मेरे को भी थोड़ी सी स्पर्श करे। भले ये बीमारी, भले सची मैया सबको ये बात बोलना नहीं है, ये बीमारी तो ब्रह्मा शंकर नारद भी सुखदेव गोस्वामी भी ये बीमारी चाहते हैं, ये बीमारी साधारण बीमारी है नहीं, ये कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण प्रेम का लक्षण है। इतने में सब लोग तो कोई पागल, कोई पाई रो, कोई बोल रहे थे सर पर तेल लगाओ, कोई नारियल पानी पिलाओ है। जब श्रीवास पंडित ये बोले ना, इतने में महाप्रभु सुनकर इतने खुश हो गए, बोले श्रीवास ये मैं भी पागल हो गया हूँ, आज तब ये प्राण को त्याग दे देता, ये प्राण में त्याग दे देता। ऐसे महाप्रभु दिव्य उन्होंने शरीर में दिव्य उन्माद, राधा रानी के शरीर में जो है जो प्रेम प्रकाश होता था, प्रजल्प अभिजल्प संजल्प प्रजल्प, ये जो तरह तरह का जो भाव महाप्रभु का शरीर में, वही राधा रानी का सारे भाव को वही प्रकट हो रहा था। इसलिए महाप्रभु ने है ये दिव्य लीला को प्रकाश किया है। लेकिन करते हुए भी इतने में महाप्रभु गृहस्थ लीला, गृहस्थ में रह करके कैसे रहनी चाहिए महाप्रभु ये भी सिखाए। महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु रोज सवेरे स्नान करके आकर के तुलसी में पानी देते थे ठाकुर जी को, पूजा सालग्राम को महाप्रभु अपने हाथों से सालग्राम को महाप्रभु पूजा करते थे। महाप्रभु स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे, अपना हाथों में भोग लगा करके फिर वो क्या करते थे हैं, इसलिए महाप्रभु भोग लगा करके फिर प्रसाद पाते थे। और कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, कभी कभी महाप्रभु 10-20 सन्यासियों को भी निमंत्रण दे देते थे, निमंत्रण दे करके मैया सची को बोलते थे, मैया आज हमारे घर में 20 सन्यासी आएंगे, इसलिए रसोई का व्यवस्था करो। बोले घर में कुछ है ही नहीं, कहता है 20 सन्यासी आएंगे, 25 सन्यासी आएंगे। इतने में लेकिन महाप्रभु का शादी हो गया ना, विष्णु प्रिया को साथ में शादी हो गया, वो साक्षात लक्ष्मी। लेकिन ये पता नहीं जब से घर में लक्ष्मी प्रिया आई ना, पता नहीं बिना कहां से धन दौलत खाना पीना रुपया पैसा अपने आप कहां से आने लग गया। क्यों, घर में माँ लक्ष्मी स्वयं घर में निवास है। अरे महाप्रभु कभी कभी सोने की ढेला ला कर बोले, भैया ले चिंता मत करो, क्यों चिंता करती हो, चिंता करने वाले ठाकुर है ना, लो इसको तोड़ करके सारे सामान को लाओ। और लक्ष्मी प्रिया क्या करती थी, फटाफट वो तो लक्ष्मी है, फटाफट वो रसोई बनाती थी, ठाकुर को भोग लगा करके महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सन्यासियों को बैठा करके महाप्रभु सबको भोजन कराते थे। तब यहाँ पर कहते, भैया ये सन्यासी है कौन, जिस
जिसको माँ लक्ष्मी अपना हाथों में जो खाना बनाए हैं, और महाप्रभु स्वयं हैं भोग लगाए, और महाप्रभु जिनको अपना हाथों से परोसदारी कर रहे, सबको खिला रहे, ये सन्यासी कौन? बोले भैया ये सन्यासी और कोई नहीं, कहते ब्रह्मा शंकर सुखदेव नारद ये सबके सब सन्यासी रूप लेकर आ जाते। कहते हमारे अहोभाग्य है, माँ लक्ष्मी की बनाया हुआ और महाप्रभु को भोग लगाए हुआ और महाप्रभु स्वयं अपना हाथ में खिला रहे, हम कितने भाग्यवान हैं। ये सब के सब सन्यास का रूप धारण करके आते थे और भोजन करके सबके सब जाते थे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु उन्होंने गृहस्थ लोगों को शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कहते हमें दो काम करने चाहिए, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। इसलिए एक में तो हरि नाम कीर्तन करनी चाहिए और वैष्णव को संतों को सेवा करनी चाहिए। कहते कि दो काम कर लिया ना, बस इस जीवन में हमें भगवत प्राप्ति इस जीवन में हो जाएगा, हैं हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु और एक दिव्य लीला किया। बोले कौन सा लीला की महाप्रभु? कृष्ण जैसे मथुरा में जब आए, जब कृष्ण मथुरापुरी में आए, हाँ मथुरापुरी में आते ही महाप्रभु ने जिस समय कृष्ण मथुरापुरी में आए, पहले सबके सब सुने थे, क्या सुने थे? कृष्ण जब 6 दिन के थे उनने पुतना को मारे। बोले क्या इतने भयंकर राक्षसी थी, 6 दिन में एक बच्चा मार दिया। जब केवल 1 महीना में हुए उनने सघनासुर को मार डाले। जब 3 महीना के हुए तृणावर्त को मारे। 4 साल में उन्होंने बकासुर को मार दिए। अघासुर को 5 साल में, 6 साल में उन्होंने काली नाग पर नते, और 7 साल में जब गिरिराज को धारण किया, जो मथुरा लोग सुने 7 साल का बच्चा 7 क्रोश गिरिराज और 7 दिन तक, और कैसे कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में, सारे मथुरा वासियों को मन में बड़ी उत्कंठ आए, भैया हम कृष्ण को दर्शन करना चाहते, लेकिन ये कंस का डर से ना, कोई भी कंस की डर से कृष्ण को दर्शन करने के लिए कोई भी नहीं जा पाए। लेकिन जब कृष्ण बलराम जब आए मथुरा में, कहते मथुरा कौन है? मथुरा एक देवी है, ये कृष्ण की प्रिया है। लेकिन जैसे पति आने पर पत्नी क्या करती है? सुंदर जैसे श्रृंगार करते, दुल्हन बनती है। जब कृष्ण आए, अभी तक कंस इसको पर राजत्व कर रहा था, हाँ दुखी थी, लेकिन जब से प्रियतमा आए, सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णना करते, मथुरापुरी की श्रृंगार किया है अद्भुत। मतलब चलने का जरूरत नहीं, प्यार रखो अपने आप चल पड़ोगे। जगह जगह पर तोरण लगाए, सुंदर जगह, महल की अटालिका, लाइट की जरूरत नहीं, हीरे जवाहरात से अपने आप लाइट हो रहा था। हैं जब जिस गली में जाए हल्ला हो गया, कृष्ण बलराम आए, और कितने दिन की तमन्ना थी, जो लोग थे ना सबके सब छत के ऊपर जाकर के माताएं, पुरुष लोग नीचे सबके सब कृष्ण बलराम को दर्शन कर रहे थे और सबके सब जयकार दे रहे थे, बोले श्री कृष्ण बलराम की जय। कोई जय कोई हे बोल रहे, और जोर से बोलो, किसका मुंह से बोली निकल, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण बलराम की जय। अभी जिस गली में जाए उसी गली में जय जयकार हो रहा है। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया क्या बात है, तेरे को ये सब पहले से जानते है ना क्या? तो जिस गली में जा रहे हो तेरी जय जयकार हो रहा है। बोले तुमको पता नहीं कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो सोने की रथ भेजा, अपना रथ भेज करके बुलाए। बोले तू पहले क्यों नहीं बोल दिया? बोले क्यों? बोले देख ये क्या मथुरा पुरी चकाचौंध, और हम कहां से गवरिया, हाँ ग्वाला, हाँ सबके सब गाँव के आ गए, और देख रहे हो कैसे कपड़े पपड़े देख रहे हो हमारी, है? बोले चाहते हो क्या? बोले थोड़ा चमकले चमकले कपड़े हो जाता है ना, आनंद आ जाता। बोले आगे चलो ना, चिंता क्यों करते हो, व्यवस्था कर दिया जाएगा। बस आगे गए तो धोबी लोग क्या कर रहे थे, महाराज कंस के लिए एकदम एकदम नए कपड़े हैं, एकदम मखमल वाले कपड़े के ऊपर में बड़े सुंदर सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, बड़े सुंदर कपड़े सर पर ले जा रहे थे। कृष्ण ने कहा भैया हमारे सखाओं को भी थोड़ा पहना दोगे? बोले कहां से वृंदावन गैया के पीछे पीछे गांव में रहते, महाराज कंस के लिए ये कपड़ा जा रहे हैं, उनके कपड़े पहनने का शौक है। ज्यादा बोलोगे ना, जो काम के लिए कंस बुलाए वो काम कर देंगे। बोले तो ज्यादा ही बोल रहा है, उन्होंने देखा ये है कौन,
भले ये वही है त्रेतया युग में माता लक्ष्मी के ऊपर सीता के ऊपर जिसने अंगुल उठाया था, हैं? बोला था ना मैं थोड़ी राम हूं, तो कहां गई थी पिछली रात को, इसलिए मैं राम नहीं हूं। कहा रावण सीता को उठा करके ले गया, एक साल बाद में लाया तो फिर सिंहासन में बैठा दिया, मैं राम नहीं हूं। बोले वही धोबी है। बोले ज्यादा ही बोल रहा है, मारे एक थप्पड़ मारे ना बस शरीर से शरीर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। बोले भैया हाथ में क्या अस्त्र फिट कर कर का? हाँ एक थप्पड़ से एकदम सर अलग है, सर अलग कैसे हो गया? इतने में बोले भैया वही पुतना को मारने वाले, अघासुर बघासुर भागो यहाँ से, पोटली के पटली फेंके और सबके सब भागे वहां से है। कृष्ण ने बोले सखाओ उठा लो अपना मन मर्जी वस्त्र। कहा महाराज कंस और कृष्ण के कहा छोटे छोटे बालक सखा, जब वस्त्र पहन करके चलने लगा ना रोड साफ होने लग गया है। बोले कन्या तो देख रहे हो कैसे क्या हो रहा है? बोले चिंता क्यों करो आगे चलो ना, फिर दर्जी है के मिले, दर्जी मिले तो बोले भैया हमारी सखाओं के लिए थोड़ी सी साई जी का बना दोगे? प्रभु को देख करके तो मुग्ध हो गए, उसके पास में बहुत सारे टेलर थे, एकदम फटाफट काट करके साई जी का बना दी। ठाकुर जी बोले भाई फलते फूलते रहो, इसलिए अभी भी दर्जी लोग फलते फूलते हैं। कोई एक कपड़ा ले जाओ ना 60 सिलाई करने के लिए और कोई पैंट 400-500 रुपया से कम नहीं बोलेंगे। ठाकुर का आशीर्वाद है ना, तुम फलते फूलते रहोगे, अभी भी फलते फूलते रहे, भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए उनको पर में भी उन्होंने कृपा किया है। बोले कन्हैया थोड़ी चीज कसर रहेगी, बोले गले में थोड़ी सी माला हो जानी चाहिए। बोले आगे चलो। वहां पर गए, बड़े सुंदर सुदामा माली के ऊपर उन्होंने कृपा की, उन्होंने माला पहना है। पर आगे बोले एक चीज की कसर रह गई, बोले किस चीज की? बोले तिलक थोड़ा हो जाए, हैं तिलक। आगे गए तो श्री कुब्जा के ऊपर में कृपा की, कुब्जा ने तिलक लगाए तो भगवान कुबड़ी को भी उन्होंने सीधा कर दी है। इसलिए सखाव ने कहा कन्हैया तेरे को देखो लेना ही आता है, देना नहीं आता। बोले क्यों? बोले देख तीन जगह से टेढ़ी, कितने सुंदर उसने तिलक लगाया, थोड़ा सही कर दे। बोले मैं भी तो टेढ़ा हूँ, टेढ़ी टेढ़ा दोनों तो जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। हाँ मैं टेढ़ा हूँ ये टेढ़ी है, इसलिए। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको एकदम प्लास्टिक सर्जरी कर दी, एकदम हाथ स्पर्श होते। इसलिए कृष्ण जैसे किए ना, कहते यहाँ पर भी महाप्रभु ठीक वैसे लीला की, यही लीला उन्होंने कहा पर श्री नवद्वीप में, यही लीला की। इसलिए महाप्रभु एक दिन बस अपना ग्वाल बालों को लेकर के, सखाओं को लेकर, महाप्रभु भक्तों को लेकर जा रहे थे। जा करके ना उन्होंने एक ग्वाला का एक तंतु गाय के ऊपर में कृपा की। बोले भैया बढ़िया वस्त्र ले आओ, है घटिया नहीं, बढ़िया वस्त्र ले आओ। और तंतुबाई ने उन्होंने बड़े सुंदर जो कपड़े बने थे, बड़ी सुंदर हाथ की बनाया हुआ प्योर सूती के बड़े सुंदर उन्होंने कपड़ा लेकर के ले आए। बोले कितना पैसा? बोले पैसा भी देने का जरूरत नहीं, जाओ जब इच्छा होना दे देना। इसलिए महाप्रभु उनको ऊपर में भी कृपा की है। और थोड़ी दूर गए, महाप्रभु चले गए किसी ग्वाला के घर में, है ग्वाला घर में। बोले बेटा ले आओ दूध दही मक्खन ले आओ, जैसे ब्रज में घर घर में जाकर दूध मक्खन चोरी करते खाते थे। बोले ले आओ दूध दही मक्खन जो कुछ हो ले आओ। उन्होंने बड़े सुंदर दूध दही मक्खन उसको लेकर के आए और महाप्रभु ने वो ग्वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? बोले कह बोले जत भात घरे रे हमारे पूर्व जे खाइला मने नाही को तुम्हारे। कोई ग्वाला कह रहे क्यों? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी पे दया करी सपार सदस्य धाम सहवतरी। महाप्रभु अकेले नहीं आए, पूरा धाम और परिकरों को लेकर के आए, वही ग्वाल वाले। वो कह रहे हैं बोले क्यों पंडित जी याद है द्वापर युग में हमारे घर घर में मक्खन चोरी करके तू खाता था ना, अभी तेरे को याद है कि नहीं है? मैं हम लोग अभी वही लोग है। महाप्रभु उनको पर में भी महाप्रभु उनके घर में दूध दही खा करके कृपा की। और थोड़ी दूर गए गंधबणी है, उन्होंने चाहते ही महाप्रभु का चरण उन्होंने प्रणाम किया है। बोले ले आओ बढ़िया सेंट ले आओ, है तुम्हारे पास में जो गंध है सेंट बड़े सुंदर इतर ले आओ। उन्होंने इतर ले आए बड़े सुंदर। बोले कितना पैसा? बोले अभी पैसा देने का जरूरत नहीं, लो लगाओ कल अच्छे तरह से स्नान करो, तब भी अगर नहीं छुटेगा ना फिर पैसा की बात करना। महाप्रभु उनको घर में भी आशीर्वाद किए। और थोड़ी दूर गए मालाकार को पास में, मालाकार को पास में जाकर के उन्होंने
बोले भैया बढ़िया सुंदर माला ले आओ। उसने भी बड़े सुंदर जो माला बना करके रखा था वो भी ला करके महाप्रभु गले में भी उन्होंने हैं उनको पर भी महाप्रभु कृपा की है। और थोड़ी दूर गए तांबूल पान की जो बिड़िया जो बनाते, बोले बढ़िया ले आओ। जैसे मुंह से खुशबू निकले, कोई पान खाए हो कभी? कि पान नहीं खाए ना, इसलिए सादा पान, इसमें बड़ी सुंदर सेंट और क्या क्या मसाला होता है। एक यहाँ पर खाओ ना, ये पूरा घर एकदम खुशबू खुश भर जाएगा। इसलिए ठाकुर भी तांबूल, ठाकुर भी तांबूल ग्रहण करते हैं बड़े सुंदर। इसलिए बड़े बढ़िया उसमें सेंट दे करके चकाचक ले आओ। महाप्रभु को बड़े सुंदर उन्होंने पान की बिड़िया दिया, महाप्रभु उनको बर में भी कृपा किए। महाप्रभु ऐसे करते 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 महाप्रभु ने क्या किया, सर्वज्ञ को घर में पहुंचा है, जो सब जानता है, ज्योतिष विद्या में पारंगत है। इसलिए तुम्हारी सारे पूर्व जन्म की बात जो बता देगा। इतने में महाप्रभु उसको पास में गए। जब उसको पास में गए, महाप्रभु ने कहा बताओ तो पूर्व जन्म में मैं कौन था, बताओ। तो उसने सारे इनका जन्म पत्री और जो कुछ उनको लगा करके देखे हैं। जब उन्होंने महाप्रभु को पहचाने, उन्होंने गोपाल मंत्र को जप किया। जब गोपाल मंत्र को उन्होंने जप किया, उन्होंने क्या देखा, ये कौन है जो शरीर में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स कौस्तुभ, उन्होंने दर्शन सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है। दर्शन देकर फिर वो क्या देखता है, पूरा कृष्ण लीला को उन्होंने दर्शन किया, पूरी कृष्ण लीला। कैसे कृष्ण देव के वसुदेव का घर में प्रभु कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रकट होकर कैसे देव की वसुदेव स्तुति कर रहे हैं, फिर कैसे देव की वसुदेव कैसे उनको गोकुल ले जा रहे हैं, कैसे कृष्ण बड़े सुंदर मीठी मीठी कैसे बंसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण कैसे ब्रज गोपियों के घर में कैसे मक्खन चोरी करते हैं। इसलिए उन्होंने जगत, फिर उन्होंने क्या देखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनको भी दर्शन किया है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी उन्होंने दर्शन किया और देख करके माया में मुक्त हो गए। इतने में उन्होंने बोले बताओ ना मैं कौन हूँ। वो तो बोले ये सब क्या देख रहा हूँ, आंख बंद करते ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को दर्शन किया। वो तो समझ नहीं पाए, बोले ये बच्चा है कौन है, ये कौन, मैं साक्षात भगवान को दर्शन कर रहा हूँ, बोले बताओ मैं कौन हूँ। वो तो कुछ बता ही नहीं पाया। बोले भैया अभी आ जाओ, मेरे को मेरा दिमाग सही नहीं इस समय में, कल आप फिर मैं बताऊंगा तुम कौन हो। लेकिन वो समझ नहीं पाए भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो समझ नहीं पाए। ऐसे ही महाप्रभु सब गोपर में कृपा करते 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 गए, करते करते कहां पर गए, उन्हें श्री श्रीधर को पास में गए। कहां पर गए, हाँ श्रीधर पंडित कला बेचा है, कला मोचा बेचा श्रीधर है। इसलिए के लिए कला क्या, कला मोचा बेचिया श्रीधर पायल जहा कोटि कल्पे कोटि स्वर ना पाए था। इन्होंने केला मोचा, ये तो हिंदी लोग जानते नहीं है, इसलिए मोचा थोड़ थोड़ कहते हैं, जो केल जो मज्जा और कदली जो फूल है, इसलिए जो केले का जो फूल है और केले का बीज के अंदर में एक डंडा सा जो रहता है, और हाँ इसलिए थोड़, इसलिए महाप्रभु यही बेचता था, केले का फूल पत्ते ही सब बेचता था। कहते महाप्रभु जिसको ऊपर में बड़ी उन्होंने कृपा की, बड़ी कृपा की उनको ऊपर में, कहते इन्होंने बोले कोटि स्वर कोटि कल्प ना पाए हुए था। इन्होंने महाप्रभु के से इनको साथ में लड़ाई झगड़ा करके नहीं देना चाहने पर भी महाप्रभु क्या करते थे, इनको पास में जोर जबरदस्ती करके जाते थे और किसी को पास में महाप्रभु नहीं जाते थे, इसको ही पास में जाएंगे। बोले देखो बढ़िया लूंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा। बोलते थे भैया बढ़िया लेके पर पैसा नहीं देगा। बोलते थे श्रीधर बोलता था मैं तो इसको बेच करके जो पैसा मिलता है ना आधा पैसा से गंगा पूजा करता हूँ। बोले गंगा तो मेरी दासी है। बोले जिस गंगा को तो पूजा करो वो तो मेरी दासी। बोले तू बच्चा होकर इसको क्या बात कहते हो, गंगा तुम्हारी दासी, तुमको पता नहीं भगवान की चरणा मरता है। लेकिन श्रीधर को पता तो यही नहीं है, यही स्वयं कौन है गंगापति, ये स्वयं कृष्ण है, इनके चरण से गंगा प्रकट हुई है।
भले तुम इतना बड़े बड़े बात बोल दो, पाप पाप बोलकर कोई बात तेरे को पता नहीं, पाप लगेगा इसे बोला मत क्या करो, ऐसे बोला मत क्या करो। इसलिए महापुरुष के साथ में लड़ झगड़ करके नहीं देने पर भी जोर जबरदस्ती ग्रहण करके उसको पर महाप्रभु कृपा करते थे। इसलिए एक दिन महाप्रभु उनको बहुत अच्छी बात यहाँ पर सिखा दिया है। एक दिन महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले श्रीधर तुम्ही जे अनुख्यान हरी हरी बोलो तारे दुख की कारण। कहते जो दिन रात तुम हरी 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 बोलते हो, भगवान का नाम जप करते हो, दिन भर भजन करते हो, भक्ति करते हो, फिर तुम भगवान की इतना भक्ति करके फिर ये दुखी क्यों है? तुम ये दुखी क्यों, कारण क्या है, हैं? कारण क्या है? तब वहां पर कह रहे हैं, बते तुम किसको पूजा करते हो? लक्ष्मीकांत को। लक्ष्मीकांत को तुम उपासना करते हो। जो लक्ष्मीकांत को जो उपासना करेगा घर में तो लक्ष्मी आएगा ना। लेकिन देख जो विश्वहरी चंडी शंकर दुर्गा को पूजा करते हैं, देखो उनके पास में कितना रुपया पैसा, देखो ठाड़ वाड़ में रहते हैं। और तू पूजा करते हो लक्ष्मीपति को, और तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, पहनने के लिए 10 जगह पर गांठ पड़ा हुआ कपड़े में। साधारण तुम भूसा का घर में बना रहते हो, साधारण घर में तुम्हारी ये दशा कहना क्यों, तुम्हारी ये दशा क्यों है, किस कारण किया है? तो इसका जो उत्तर उन्होंने दिया, अद्भुत उन्होंने उत्तर दिया। और प्रभुपाद इसी विषय पर बहुत बड़ी टीका लिखी, कारण किया है? जो लक्ष्मीपति को पूजा करते हैं वो दीनहीन घर में क्यों रहते हैं, इनके पास में पैसा क्यों ज्यादा नहीं आता है, और जो दूसरे दूसरे देवादेव को पूजा करते हैं इनके पास में इतने पैसा क्यों, कारण किया है? प्रभुपाद इस विषय पर बहुत अच्छी अच्छी सिद्धांत बोले। हम इस चीज को कल हम सुनेंगे इस विषय पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, क्यों जो भजन कहते हैं इनका शरीर इनके घर में दारिद्रता क्यों दिखती है, लेकिन जो शंकर ब्रह्मा जी को देवी को पूजा करने वाले पैसा की, हम इसे पर कल अच्छे तरह से सुनेंगे क्या प्रभुपाद बताना चाहते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हाँ देखो आज थोड़ा ज्यादा कीर्तन करते हैं क्योंकि आज करुणा कितना बहुत बड़ी 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 सुंदर माला बना है। हरे कृष्णा। हाँ देखो आज थोड़ा ज्यादा कीर्तन कर लेते हैं, ये कोरोना वायरस बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये घट ही नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सबके सब हाथ में ताली बजाते हुए सबके सब कीर्तन कर सबके सब। बोले जय जय देव हरे, देखो सामने श्री जगन्नाथ जी है, दर्शन रहा जगन्नाथ जी सामने से, जगन्नाथ हैं ये भजन, जगन्नाथ जी की बड़े प्यारे हैं, हैं ये भजन, जगन्नाथ जी बड़े प्यारे भजन हैं। हम लोग जो जहाँ पर है वहीं से श्री जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी बड़े दयालु कृपालु, और ये कोरोना वायरस जैसे जल्दी से जल्दी दूर हो और विश्व में शांति और मंगल हो। सब लोग जहाँ जहाँ पर हो वहीं से सबके सब ताली बजाते हुए कीर्तन करें, ठीक है? बोले जय जय देव हरे, महाराज जरा सा तू जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। बोलो राधे कृष्ण गोविंद गोपाल
Thank you.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Yeah.
सचनंदन गौर की जय समारोह गौर भक्त वृंद की जय। पिता गौर प्रमाण ने।